हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने द ओल्ड महाबलेश्वर। लेट्स सी। सो वी हैव कम टू द ओल्ड महाबलेश्वर। दिस इज आल्सो नोन एज द क्षेत्र महाबलेश्वर। यहाँ पर एक महादेव का मंदिर है एंड पंचगंगा भी बहती है यहाँ पे। एंड इसके लिए वही लेने के लिए पानी की बॉटल भी लेके आए हैं हम लोग। एंड लेट्स गो अप एंड चेक इट आउट। तो यहाँ पर पार्किंग से लेकर ऊपर मंदिर तक बहुत सारी दुकानें हैं, खाने पीने से लेकर डेकोरेटिव आइटम्स एंड चप्पल वक्कल सब कुछ है। सो यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ये है द पंचगंगा मंदिर। ये मंदिर बहुत पुराने ज़माने से है। सो द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टेम्पल इज़ वेरी ओल्ड एंड ब्यूटिफुल। यहाँ पर पांच नदियों का संगम होता है। और ये पांचों नदियों का जो संगम होता है वो इस गाय मुख से बाहर आता है। माना जाता है कि ये पानी बहुत ज़्यादा पवित्र होता है और आसपास के गांवों में भी ये पानी पीने के लिए यूज होता है। और जो भक्त यहाँ आते हैं वो भी ये पानी पीने के लिए लेकर जाते हैं। और यहाँ से नदियों का आना शुरू होता है। तो ये है पहली नदी, गायत्री नदी। और इसके बाद आती है सावित्री नदी। और सावित्री नदी के बाद कोयना नदी। और कोयना के बाद वेन्ना नदी। और वेन्ना के बाद भागीरथी। तो इन पांच नदियों का संगम होता है और वही उस गाय मुख से बाहर निकलता है। और ये है शंकराचार्य मंदिर। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो नॉर्मल शिवलिंग जैसा नहीं है, इसका शेप नॉर्मल वैसा नहीं है, अलग है एंड इट्स वेरी डिफरेंट एंड नेचुरली बना है वो। वहाँ पर किसी ने बनाया नहीं है ऐसा भी बोलते हैं। और ये शिवलिंग कभी भी सूखता नहीं है, हमेशा गीला रहता है, नेचुरली कोई इस पर पानी नहीं डालता। और ये मंदिर का कलश है जो बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। एंड वेलकम टू दी वेन्ना लेक। ये वेन्ना लेक है, वहाँ का पार्किंग है और यहाँ पर एक हॉर्स ट्रैक भी है। यहाँ पे हॉर्स राइड्स, हॉर्स जंप्स होते हैं, हम लोग भी देखते हैं करने वाले हैं। लेट्स हैव सम फन ऑन द लेक। चलो अभी आए एंड लेट्स गो फॉर हॉर्स राइड। हॉर्स जंप में बड़ा मज़ा आया था, एकदम युद्धा वाली फीलिंग आई थी। मेरा घोड़ा चलाने का बस इतना ही फुटेज है। मम्मी अपने जंप के टाइम पे बहुत डर गई थी। और ये मेरे भाई के राइड का रिकॉर्डिंग है, लेकिन मेरे टाइम पे जब मैं अकेला घोड़ा भगा रहा था तो उसका रिकॉर्डिंग ठीक से हुआ नहीं, वरना मैंने फर्स्ट टाइम अकेले घोड़ा भगाया था, मज़ा आया था। मस्तानी के साथ बहुत ही अच्छा राइड हुआ है एंड मैंने पूरा हॉर्स एकदम अच्छे से अकेले चलाया, वहाँ से लेकर भगा तक भगाया भी अच्छे से, मज़ा आ गया। बहुत टाइम की बात किया लेकिन ज़्यादा शूट नहीं किया इन लोगों ने, चलता है लेकिन बहुत मज़ा आया। एंड द हॉर्स जंप वाज आल्सो वेरी अमेजिंग। पहली बार किया तो बहुत डर लगा, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम में सब एकदम नॉर्मल हो गया। थैंक यू सो मच
मस्तानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दादा, इकडे आ जरा, थैंक यू सो मच दादा, एकदम करेक्ट। और हॉर्स राइड के बाद हम लोग लेक पर घूमे, फोटोज खींचे, कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया। फिलहाल के लिए बस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जी हाँ, हम लोग ठाणे वापस आ गए हैं। वहाँ महाबलेश्वर में बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ रही थी और ठंडी का थोड़ा बहुत असर भी हम पे होने लगा था, तो ज़्यादा कुछ हो उससे पहले हम लोग वापस आ गए हैं। यस, एंड वन मोर थिंग, हमारे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड फॉर दैट थैंक यू सो मच टू एवरीवन देयर। मतलब आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, प्यार करते रहना, आगे और भी बहुत सारे माइलस्टोन्स रीच करने हैं, टुगेदर विल मेक अ बिग फैमिली। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग द बज़ ऑफ अमितेश। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, गुड बाय।